नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी व्यापार महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल आजमगढ़ जिले में पहुंचे, जहां उनका अग्रवाल धर्मशाला में व्यापारियों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार पर व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ा है। उन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हुआ, बल्कि उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने भी कहा कि व्यापारियों को आज संदेश दिया गया है, वे आज की योगी और पूर्व की अखिलेश सरकार की तुलना व्यापारी करें और किसी के भकावे में न आए। प्रतिदिन घटनाएं होती थी, सराफा व्यापारियों के साथ शाम को रोज लूट होती थी, तो ये भी एक मुद्दा रहे। ये एक बनावटी बात है, ये बनावटी बात है। आज क्या नहीं है, अभी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, इसी सरकार में हुआ, अभी 15 दिन पहले आपके अखबार में छापा, दैनिक जागरण ने सारे अखबारों ने छापा। तो अपराध जो है समाजवादी पार्टी की सरकारों में ज़्यादा नहीं थे, उसको बढ़ा चढ़ा के प्रकाशित भाजपा करती थी और उसका जवाब व्यापारी देगा आने वाले चुनाव में। आने वाले चुनाव में व्यापारी समाज, यही संदेश यात्रा में लेकर के आया हूँ कि व्यापारियों की गलतफहमी दूर हो और व्यापारियों को ये बताया जाए कि किस सरकार ने तुम्हारे हित के लिए काम किया और किस सरकार ने तुम्हारे अहित के लिए काम किया। अरे भाई, लॉकडाउन में आप कर्मचारियों को आर्थिक पैकेज देंगे और व्यापारियों को आर्थिक पैकेज नहीं देंगे, लात मारेंगे व्यापारियों को, क्यों लात मारेंगे? आर्थिक पैकेज अगर आप कर्मचारियों को दे सकते हैं तो व्यापारियों को भी दे सकते हैं। व्यापारियों ने त्याग किया, आपकी दुकानें बंद की और आपको टैक्स बराबर दिया है। अगर व्यापार नहीं चलेगा तो किसान का माल कौन खरीदेगा? अगर व्यापार नहीं चलेगा तो सरकार को टैक्स कौन देगा? और सरकार को टैक्स अगर नहीं मिलेगा तो सरकार चलेगी कैसे? कर्मचारियों का वेतन दिया कैसे जाएगा? इसलिए वैदिक काल से हमारी ये परंपरा रही कि जो भी सरकार रही हो, जो भी राजा रहा हो, उद्योग और व्यापार को सदैव राजघरानों से संरक्षण मिलता रहा है। आपकी ये यात्रा कहाँ से है और कहाँ तक जाएगी? हमारी ये यात्रा 8 चरणों में 75 जिलों में जाएगी। कब से शुरू है ये? आज से शुरू है। पहले 6 जिलों का दौरा तो मैं कर चुका हूँ, पर वो व्यापारी संदेश यात्रा नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी थी। आज से हमारी व्यापारी संदेश यात्रा शुरू हुई है और ये 75 जिलों में हम दिसंबर तक पूरा करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बनवाना। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए, क्यों बनाई जाए? व्यापारी का उत्थान करने के लिए, व्यापारी को सम्मान दिलाने के लिए, व्यापारी को राज्यसभा में भेजने के लिए, व्यापारी को मंत्री बनाने के लिए, संतरी बनाने के लिए नहीं, व्यापारी को मंत्री बनाने के लिए सपा की सरकार बनाई जाए ताकि व्यापारी मंत्री बन सके और व्यापारी ओहदा मिल सके व्यापारी।